और इधर तुर्की के इज्मिर प्रांत में फोल कार्ट साइट की इमारत में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ मिनटों में आग की लपटें पूरी इमारत में फैल गई और बिल्डिंग धू धू कर यहां पर जलने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखे, वहीं कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की बालकनी से भी कूद गए। आग की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। और इधर दिल्ली के सीलमपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहां दो बदमाशों ने एक युवक का गला दबाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश दिन दहाड़े सड़क पर उस लड़के का गला दबाता हुआ नजर आया। इस दौरान उस लड़के ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी पकड़ से निकल नहीं सका। तभी वहां दूसरा बदमाश भी पहुंच गया, जो उस लड़के की जेब से मोबाइल फोन और पैसे निकालने लगा। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद वो उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने जैसे ही उस लड़के को छोड़ा, वो बेसुध दिखाई दिया और पास की नाली में जा गिरा, जिससे उसके सिर में चोट भी लग गई। सीसीटीवी वीडियो की मदद से पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत का रूस ने स्वागत किया। एक रोज पहले ही जेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिस पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने दोनों के बीच हुई बातचीत पर खुशी जताई। रूस के मुताबिक वो जंग को खत्म करने के लिए की गई किसी भी पहल के साथ है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने पिछले महीने मॉस्को का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन से भी जंग के मुद्दे पर बात की थी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 100 वॉट के 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुबह 10:30 बजे का वो समय होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार हो सकेगा। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। यूक्रेन भी कसम खाए बैठा है कि वो पुतिन से अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ